हेलो दोस्तों, बारिश के दिनों में समोसा खाने का दिल किसका नहीं करता। पर वो कहते हैं ना कि जब तक समोसे तेल की कढ़ाई में डूबे ना, वो टेस्ट नहीं आता। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप मात्र एक बड़ी चम्मच तेल में कम से कम 9 से 10 समोसे बना पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1/4 चम्मच खाने का सोडा। ये समोसे की बाहरी परत को फूलने में मदद करेगा। यहाँ मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 1 छोटे चम्मच अजवाइन, जिसको मैं हमेशा इस तरह से मसल कर डालना प्रेफर करती हूँ। इससे इसकी खुशबू अच्छे से निकल कर आती है। आप भी ट्राई करके देखिए। अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कलौंजी। ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाली। अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। इससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है और समोसे बिल्कुल वैसे ही खस्ता बनते हैं। आप इसको बिल्कुल कम कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरीके से घी के मोयन को मसल मसल कर सूखे इंग्रेडिएंट्स में मिलाइए और इस तरह से बॉल सी बन जाए तो मतलब रेडी है। अब इसमें पानी डालकर हम आटा गूंथेंगे। आटा रोटी के आटे से बस थोड़ा ही सख्त होगा। ध्यान रखिए, ज़्यादा सख्त आटा भी मत गूंदिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। रोटी के आटे से थोड़ा ही ज़्यादा सख्त, कुछ इस तरह से। अब हम इसे एक भीगे हुए किचन टॉवल से ढककर थोड़ी देर के लिए, 5 से 8 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच तेल में कुटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और कुटा हुआ भुना जीरा, साबुत सौंफ, कुटा दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, ये सब डालकर थोड़ा सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें मैंने ताज़ी हरी मटर डाली है, आप फ्रोज़न भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। स्वादानुसार नमक डालें। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, ये भी ऑप्शनल है। अब ले लेंगे हमारे आलू, जिन्हें उबाल कर मैंने थोड़ा मसल लिया था। इन्हें ऐड कर दें, डालकर हल्का सा इन्हें 1-2 मिनट सेक लें। ज़्यादा ना सेकें क्योंकि समोसों के अंदर इन्हें सिकना ही है। ओवन को हमने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हम अपना ढका हुआ आटा उठाएंगे, उसे 10 बॉल्स में यानी कि लोइयों में डिवाइड करेंगे और हर एक बॉल को परथन यानी कि सूखा आटा लगाकर रोटी की तरह पतला ही बेलेंगे। ध्यान रखें, इसमें हमने सोडा डाला हुआ है इसलिए ये फूलेंगे ही फूलेंगे, पतले होने की वजह से जल्दी सिकेंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे को पार्चमेंट पेपर लगाकर पहले से रेडी रखा हुआ है। इसमें ही हम अपने तैयार समोसे रखेंगे। हर एक रोटी को हम इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम इसमें पानी लगाते हुए इसके किनारे को सील करते हुए इस तरीके से कोन का शेप देंगे। इसमें हम अपने स्टफिंग को भरेंगे, आलू की स्टफिंग दबा दबा कर ज़्यादा से ज़्यादा भरें। अब किनारों को वापस पानी लगाकर सील कर देंगे, अच्छे से प्रेस कर दें और बेकिंग ट्रे पे रखें। ये देखिए किस तरीके से फटाफट हमारा समोसा रेडी हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें तेल। जी हाँ, अब ये देखिए सिर्फ 1 चम्मच तेल में ये हमारे ट्रे में रखे हुए सारे 9 समोसे रेडी हो जाएंगे। अगर 10 होते तो 10 भी हो जाते क्योंकि थोड़ा तेल और बचा हुआ था। अब इसी तरीके से हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी तेल लगाकर रेडी कर लेंगे। अच्छे से ब्रश करिए, सभी जगह लग जाना चाहिए तेल। कितने कम तेल में हमारे इतने सारे समोसे रेडी हो जाएंगे, आप अमेज्ड हो जाएंगे। ये देखिए पूरे 9 समोसे अब रेडी हैं। मिडिल रैक में अवन में हम रखेंगे इन्हें 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। 15 मिनट बाद हम इनको निकाल लेंगे, संभाल कर ट्रे गर्म होगी और इन्हें 1 चम्मच के सहायता से पलट लेंगे दूसरी तरफ से भी इन्हें सेम टेम्परेचर पर सिकने के लिए मिडिल रैक पर ही रख देंगे अवन में। ये देखिए हमारे कुरकुरे एकदम मार्केट जैसे समोसे रेडी हैं। इंजॉय।